अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र समिति के माननीय सह संयोजक श्री पीयूष गोयल जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और घोषणा पत्र समिति के माननीय सदस्य विनोद तावरे जी भी हैं, आप भी संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय पीयूष जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। आज घोषणा पत्र समिति की महत्वपूर्ण बैठक माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में संपन्न हुई। उसमें राजनाथ जी सहित 8 केंद्रीय मंत्री थे, 3 मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, विष्णुदेव साय जी, डॉक्टर मोहन यादव, 3 मुख्यमंत्री भी आए थे, अन्य कई वरिष्ठ नेता जो समिति के सदस्य हैं, सभी की उपस्थिति में बड़ी सार्थक चर्चा हुई। अलग अलग विषयों के ऊपर सभी ने अपने सुझाव, अपने अमूल्य विषयों के ऊपर क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से आगे के विकसित भारत 2047 के रोड मैप में पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी, सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा की। इसके पहले लगभग 35 दिनों तक आम सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, उनके सुझाव लेने के लिए 916 वीडियो वैन्स देश भर में गई, उन्होंने भ्रमण किया। 3,500 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उनका दौरा रहा और 100 शहरों में भी भिन्न भिन्न समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिलना, व्यवसाय गटों के साथ एसोसिएशन, ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, बुद्धिजीवी संगठनों के साथ 100 से अधिक शहरों में सभाएं, मीटिंगें रखी गई, जिसमें हजारों अलग अलग सुझाव जो माननीय मंत्री, हमारे पार्टी के नेता सहभागी हुए, उसमें उन्होंने संकलन किया। एक मिस्ड कॉल अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था देश भर में और लगभग 4.25 लाख सुझाव उस मिस्ड कॉल अभियान के द्वारा लोगों से संपर्क किया गया, जिन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वो भी सुझावों को संकलन करके उसका भी एक डेटाबेस हम सबके पास उपलब्ध था। साथ ही साथ नमो ऐप पे, जिसकी आज के दिन बहुत व्यापक देश भर में इस्तेमाल होता है, उसकी रीच है और लोग जुड़े हैं नमो ऐप के साथ, उसमें भी 1,70,000 के आसपास सुझाव आए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश की जनता में कितना उत्साह है और कितना सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस इस चुनाव में जब निकली है तो लोगों में कितना उम्मीद है, कितना लोगों के बीच विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसीलिए इतने बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अलग अलग सुझावों से हमको लाभ दिया है। इन सब सुझावों का एक प्रकार से बेस बनाते हुए, इनको संकलन करते हुए आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। अलग अलग विषयों पे अलग अलग हमारे माननीय नेताओं ने, समिति के सदस्यों ने समाज के सभी वर्गों का विचार करते हुए जो अलग अलग विचार आए, जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका विचार करते हुए और देशहित और जनहित को प्राथमिकता देते हुए शॉर्टलिस्ट करके इन सुझावों के ऊपर आगे विचार करने के लिए और थोड़ा समय लिया है।
अब यह समिति पुनः कुछ दिनों बाद मिलेगी। इन सुझावों के ऊपर सभी सदस्य अपने अपने विचार भी लेके आएंगे और इन सुझावों के ऊपर थोड़ी बहुत स्टडी करके इन सुझावों को अगली बैठक में पुनः एक बार चर्चा में लिया जाएगा। आप जैसा सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर एक संकल्प पत्र में हर एक विषय को बड़ी गंभीरता से लेती है, बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करके उसको संकल्प पत्र में लेती है। तो हमारे पार्टी का जो रोबस्ट मैकेनिज्म है जिससे संकल्प पत्र बनता है, उस रोबस्ट मैकेनिज्म के तहत इस बार का संकल्प पत्र का भी ये पहला दौर है, कुछ ही दिनों में इसको फाइनल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।